हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पुनरावृत्ति वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट करेंगे। आज की रिवीजन वर्कशीट 101 है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, 23 मार्च की है, क्लास 9th की, चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से रिलेटेड। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और 1 से 3 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वन नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी वन जो है ये एक योग्य रिन्यूएबल सोर्स है, और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये जो है ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु मृदा यानी सॉइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तथा नदियों की धारा को भी नियंत्रण में रखते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार भी है, जैसे कई समुदाय जो है वो इसी पे अपना जीवन गुजार रहे हैं, जैसे कि लकड़हारा, वो लकड़ी काट के अपना जीवन गुजारता है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी जो है ये आकर्षित करते हैं। जो पर्यटक होते हैं उनको भी ये जो दृश्य आकर्षित करते हैं, वो पेड़ पौधों को भी देखने आते हैं। कुछ खास तरह के पेड़ भी हैं। ये पवन हवा तथा तापमान को नियंत्रण में करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवश भी मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय यानी उनको कुछ रहने की जगह भी मिलती है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है? ये वन और कृषि आधारित उद्योगों के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। वनों के अप्रत्यक्ष लाभों को वर्णन करें। वे स्थानीय जलवायु को संशोधित करते हैं, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करते हैं और धारा प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों को समर्थन देते हैं, अथवा कई सारे तरीके से बारिश का कारण अर्थात तापमान और पवन में नियंत्रण, ये सब कार्य वन ही करते हैं। बताइए कि वन कैसे अक्षय संसाधन है, योग्य संसाधन है? तो वन इसीलिए योग्य संसाधन है क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो तेजी से पुनर्जीवित होते हैं या फिर से भर जाते हैं। कुछ संसाधन स्वयं की पूर्ति करते हैं, तो इस तरह के संसाधन को हम क्या कहते हैं, योग्य संसाधन कहते हैं। अब भारत में पौधों और जानवरों के वितरण में कौन से कारण निर्धारित होते हैं? तो अनुकूल स्थलाकृति, खनिजों की उपलब्धता, ताजे जल संसाधन, उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां व मिट्टी की उर्वरता। पांचवा प्रश्न, भारत में जैव विविधता के 3 कारण, तो ये हानि, शिकार करना, आक्रामक प्रजातियों का परिचय, पसंदीदा प्रजातियों का अत्यधिक दोहन यानी उन्हें बढ़ावा देना और कुछ प्रजातियों को खत्म करना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। छठा, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में परितंत्र का क्या उपयोग है? तो ये क्या करता है, ये सभी हमें मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव अपेक्षित रूप से पनपे और गुड़ करे। इसके लिए पेड़ों का बहुत संतुलन होना चाहिए और ये बराबर मात्रा में होनी चाहिए जितने इंसान हैं, तभी ये सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष प्रजाति का शोषण ना हो या फिर पेड़ पौधे ना काटे जाएं। तो इस तरह से आपको ये छठे प्रश्न में समझाया गया है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय एवरीवन।